Good morning, students. I am Yogin Singh, your English teacher. I hope that you will be fit and fine at your home. Students, today I will teach you the second part of the chapter of magic paintbrush, because I have divided this chapter into two parts. First part has been taught you yesterday. So now see in your book and listen carefully. Students, then he invited a lot of his friends. He means rich person, wigged person. Because wigged person ने जो है माल्यांग को अपने पास बुला लिया था, यानी मींस जैसे किडनैप कर लिया जाता है उसको, उस तरह से अपने पास उसने जो है ले आया था वो, और उसको प्रिजन में बंद कर दिया था, यानी जेल में एक तरह से उसको बंद कर दिया था। तो और जो पेंट ब्रश था वो उसने अपने पास रख लिया था। तो वो पेंट ब्रश जब उसके पास था तो उसने जो है, यानी तब उसने क्या किया, ही इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स टू कम टू हिज होम एंड सोव्ड देम द मैजिक पेंट ब्रश। उसने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया, अपने घर पर बुलाया और उनको उस मैजिक पेंट ब्रश को दिखाया। ही ड्रीव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, उसने बहुत सी पिक्चर्स ड्रॉ की, बट दे वुड नॉट कम टू लाइफ, परंतु वे जीवित नहीं, यानी फॉर्म में नहीं आई। He was very angry. वह बहुत नाराज था and asked someone to get Malyang to him. और उसने जो है ये कहा कि भाई Malyang को बुलाओ। When Malyang came, जब Malyang आया, he said to him, तो उसने उससे कहा, if you draw some pictures for me, किसने कहा, विग्ड पर्सन ने माल्यांग से कहा कि अगर आप मेरे लिए कुछ पिक्चर ड्रॉ करते हो एंड टर्न देम टू लाइफ, और उनको जीवित करते हो, तो आई विल सेट यू फ्री, तो मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। द यंग मैन न्यू दैट ही वॉज अ विग्ड मैन इन द विलेज। यंग मैन जानता था कि ये गांव में एक विग्ड पर्सन है, बहुत ही बेकार पर्सन है, बुरा व्यक्ति है। Of course, he did not want to help him. वास्तव में माल्यांग उसकी मदद नहीं करना चाहता था। He had an idea. उसको एक विचार आया। He said to him, the man. तो उसने आदमी से कहा, विग्ड पर्सन से कहा, I can help you. मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। But you should give me your word to do exactly as you say. परंतु आपको वो करना पड़ेगा जो अभी आप कह रहे थे कि मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा, आपको फ्री कर दूंगा। द बैड मैन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सैड। बैड मैन बहुत खुश हुआ और उसने कहा, आई वॉन्ट अ गोल्डन माउंटेन, मैं एक गोल्डन माउंटेन चाहता हूँ। आई विल गो देयर टू गैदर गोल्ड, और क्यों, क्योंकि मुझे जो है वहाँ कुछ गोल्ड इकट्ठा करने के लिए जाना है, मैं कुछ गोल्ड इकट्ठा करूँगा। द यंग मैन ड्रीव अ सी फर्स्ट, तो सबसे पहले जो यंग मैन ने क्या ड्रॉ किया, सी ड्रॉ किया। द विग्ड मैन वॉज एंग्री एंड सैड। विग्ड मैन इस पर नाराज हुआ और उसने कहा, वाई डिड यू ड्रॉ अ सी, तुमने ये सी को क्यों ड्रॉ किया भाई। आई डू नॉट वॉन्ट दिस, मैं ये नहीं चाहता। आई वॉन्ट अ गोल्डन माउंटेन, मैं तो एक गोल्डन माउंटेन चाहता हूँ। ड्रॉ इट क्विकली, इसे जल्दी से ड्रॉ करो, जल्दी से बनाओ। देन द यंग मैन ड्रीव अ गोल्डन माउंटेन, तब यंग मैन ने गोल्डन माउंटेन बनाया, विच वॉज फार अवे फ्रॉम द सी, जो समुद्र से बहुत दूर था। द बैड मैन सा, बैड मैन ने देखा कि एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुआ। ही सेड, उसने कहा, ड्रॉ अ बिग शिप क्विकली, जल्दी से एक बड़ा सा शिप बनाइए। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, टू गैदर गोल्ड, यानी गोल्ड इकट्ठा करने के लिए।
द यंग मैन स्माइल्ड क्वाइटली, यंग मैन धीरे से मुस्कुराया, एंड ड्रीव अ बिग शिप, और उसने बड़ा सा जो है शिप ड्रॉ कर दिया। द बैड मैन जम्प्ड इन टू द शिप, बैड मैन ने शिप में जंप किया सबसे पहले, एंड अ लॉट ऑफ हिज ग्रीडी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स जंप्ड इन टू, और उसके जो फैमिली मेंबर्स थे और उसके मित्र उसमें जो है चढ़ गए। व्हेन द शिप सेल्ड टू द मिडिल ऑफ द सी, जब शिप सी के मध्य में पहुंचा, मिडिल में पहुंचा, तो द यंग मैन ड्रीव अ लार्ज वेव, तो यंग मैन ने एक लार्ज यानी बड़ी सी वेव ड्रॉ कर दी, एंड इट डिस्ट्रॉयड द शिप, और इससे क्या हुआ, शिप जो है डूब गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। सो द विग्ड मैन एंड हिज फ्रेंड्स डाइड, और इस तरह से उसके जो फ्रेंड्स थे और विग्ड मैन और उसके फैमिली मेंबर्स सब डाइड हो गए, मर गए। आफ्टर दैट, उसके बाद द यंग मैन लिव्ड विद हिज फैमिली हैप्पीली, अपने परिवार के साथ खुशी से रहा, एंड केप्ट ऑन हेल्पिंग द पुअर पीपल, और उसने जो है गरीब लोगों की, पुअर पीपल्स की सहायता करना, हेल्प करना जारी रखा। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड दिस लेसन क्लियरली। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।